ठाकुर द्वारा में दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी ठाकुर द्वारा के बंकावाला वासी राबिया सैफी के आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर उपमंडल पिहोवा के युवाओं ने पिहोवा के बाजार से होकर पिहोवा मेन चौक तक मिलकर कैंडल मार्च निकाला। युवाओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर सभी युवाओं ने मिलकर पिहोवा में कैंडल मार्च निकाला है। उन्होंने सरकार से आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। वहीं कैंडल जुलूस में मौजूद एक व्यक्ति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर राबिया सैफी के आरोपियों को सरकार द्वारा जल्द फांसी नहीं दी जाती तो पिहोवा से सभी युवा इकट्ठा होकर दिल्ली जाएंगे और जिस थाने में ये मामला लगता है उसके डीएसपी और थाने का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर इस सरकार में बेटियों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऐसे आरोपियों को सबक सिखाने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। साथियों, आज हम सभी युवा पेवे हलके के अंदर एकत्रित हुए हैं। हम अपनी बहन को इंसाफ दिलवाने के लिए हलका पेवे में आज उपस्थित हुए हैं। हमारी बहन रुपया को इंसाफ मिले, ये हम सरकार से कामना करते हैं कि हमें हमारी बहन को इंसाफ मिले। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रुपया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रुपया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कि मैं ये देश बढ़ाओ, देश बचाओ, लड़की बचाओ, कोई यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, कोई दी बहन सुरक्षित नहीं है, कोई 5 बजे निकले 4 बजे निकले, ऐसी माड़ी नीति सरकार की है। ये 24 घंटे में ये लड़के जो जिन्होंने बलात्कार किया है ये पेश नहीं करिए जीते। हम हरियाणा से इसी कुरुक्षेत्र से ये जूथ हमारे साथ चलेगा। हम SP दिल्ली, DSP दिल्ली जो इसके इलाके का बनता है ग्राफ किया जाएगा, थानों का ग्राफ किया जाएगा। खबर नाम हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।